प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग एक, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण होगा बच्चों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में पार्ट फर्स्ट हम बताएंगे। इसमें हम लोग दो वीडियो देखेंगे। पहला वीडियो आज हम आप लोग को बताएंगे तत्वों का वर्गीकरण में, जिसको हम पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। इस पाठ में हमको क्या क्या सीखना है, सबसे पहले एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं बच्चों। ये देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हम लोग तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण ये देखेंगे। तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण, डोबे रायनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ये सारी चीजें हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण सीखेंगे, मेंडलीव न्यूलैंड के अष्टक नियम सीखेंगे, डोबे रायनर के त्रिक सीखेंगे और मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरे वीडियो में मैं आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉन संरूपण देखेंगे और आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव भी देखेंगे, परमाणु आकार देखेंगे और धातु अधातु गुणधर्म के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम वीडियो में सीखना शुरू करते हैं बच्चों। यह द्रव्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप सभी जैसा जानते हैं ये सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और उनकी जो अवस्थाएं होती है वो द्रव के रूप में होती है, ठोस के रूप में होती है, गैस के रूप में भी होती है और यौगिक को दो भागों में जैविक और अजैविक के रूप में भी बांटा जा सकता है और उसकी फिजिकल भी प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तत्वों के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स माने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जाते हैं, तो एक ही आप जैसा जानते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। आज की तारीख में विज्ञान जगत को कुल 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों। ये देखिए, मेटल में धातु, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोखंड जिसको लोहा भी बोलते हैं, परंतु ईस्वी सन 1800 के आसपास केवल 30 तत्वों की ही जानकारी थी। काल के अनुसार समय के साथ साथ अधिकाधिक तत्वों की खोज होती गई और इन तत्वों के गुणधर्म के संबंध में अधिक जानकारी भी प्राप्त होती गई। बड़ी संख्या में तत्व जब उपलब्ध हो गए, 118 तत्वों, तो इनका अध्ययन करना आसान नहीं था। उसमें कुछ समानताएं थी, कुछ असमानताएं भी थी। इस प्रकार से प्रारंभ में ही इनके वर्गीकरण अनुसार तत्वों को धातु, अधातु, मेटल और नॉन मेटल, इन दो वर्गों में इनको विभाजित किया गया। कालांतर में सदिश
तत्वों को धातु सदृश नामक एक और प्रकार ध्यान में आया। तत्व तथा उनके गुणधर्मों के विषय में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लगा बच्चों, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की भिन्न भिन्न पद्धतियों को खोजने का प्रयास भी किया। यहाँ आप धातु देख रहे हैं, धातु है कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन, ये सब अधातु में आते हैं। आगे जो पहले वैज्ञानिक थे डोबे राइनर कीर्तिक, ये धातु सदृश मूल द्रव्य है। देखिए बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलीनियम है, ये धातु सदृश मूल द्रव्य है। मैंने तीन वर्गों में बांटा, धातु में, अधातु में और धातु सदृश, और धातु सदृश बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। डोबे राइनर के त्रिक सबसे पहले सन 1817 में डोबे राइनर, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। मन लो बच्चों, ये जो है तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमानों में संबंध होने की पुष्टि की। उन्होंने समान गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तीन तत्वों के समूह बना करके उनको त्रिक नाम दिया। देखिए यहाँ पर त्रिक ए आई एन ए एल आई के एस आर सी ए बी ए बी आर सी एल आई और एस सी सी एस और टी, माने तीन तीन, क्या क्या, तीन तीन तत्वों को, तीन तीन तत्वों के समूह बनाकर उन्होंने त्रिक दिया। एक त्रिक में तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है। परंतु जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें से एक सब पर नियम नहीं लग पाया। किस पे ये नियम लग गया बच्चों, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये देखिए एटॉमिक मास, ये लिथियम है 7, सोडियम है एटॉमिक मास इसका है 23 और पोटेशियम का है 39। अब देखिए 39 और 7 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये जो सोडियम है उसका आ गया 23। माने उन्होंने क्या कहा कि तीन तीन तत्वों के समूह बनाकर त्रिक नाम दिया और पहले और तीसरे जो मध्य का है, मध्य का तत्व जो है वो दोनों के पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है उसके औसत के बराबर होता है। यहाँ तो देखिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है और ये आयोडीन है, क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ा, इनके मास को जोड़ा एटॉमिक मास को 81.25 आया, जबकि इसका ब्रोमीन का होता है 80 होता है और कैल्शियम का आया 40 और 137, इसका स्ट्रॉन्शियम का होया 88.5 आया है। इस प्रकार से उन्होंने त्रिक नियम जो है सत्यापित किया। समान गुणधर्म वाले प्रत्येक तीन तीन तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया। एक त्रिक में तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है। यहाँ पर पूरा लगभग औसत के बराबर होता है, ते नियम डोबे राइनर के त्रिक ने दिया। आगे है ये देखिए, यहाँ लिथियम एटॉमिक मास 6.9, सोडियम है एटॉमिक मास 23, पोटेशियम एटॉमिक मास 39, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और ये देखिए यहाँ पर इसको और 100 जोड़ा है, ये बीच वाले का आया है। यहाँ पर Ca है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, इसका जोड़ेंगे 37 पॉइंट आएगा। तीन तीन के त्रिक जो करके दिया है, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, पहले और लास्ट का, पहले तीसरे का जोड़ोगे तो बीच वाला आएगा। यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम दिया है, इसको भी 32+128 करोगे, बटे 2 करोगे तो 79 आएगा। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो बच्चों, बराबर। तो परंतु ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबे राय के त्रिक में नहीं हो सका, जितने भी ज्ञात थे सबका इन्होंने इस नियम से फॉलो नहीं हो पाया। तो अगले वैज्ञानिक हमारे जो आए, न्यूलैंड के अष्टक का नियम आया, इन्होंने क्या किया, ये भी
रसायन वैज्ञानिक अंग्रेज थे। जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ही मार्ग में परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म में जोड़ दिया। सन 1866 में ज्ञात सभी जितने भी तत्व थे सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में लिख दिया। देखिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया, ये देखिए सबका एटॉमिक मास नीचे दिया हुआ है, इसको इस क्रम में इन्होंने लगा दिया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग क्रम में। ये देखिए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग क्रम में इन्होंने आरोही क्रम में लगा दिया। इसकी शुरुआत सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन, ये देखिए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, इसको किया। और सबसे जो इस प्रकार से आगे उन्होंने और भी लिखा है कि अंत में थोरियम तत्व से हुआ और पाया क्या कि जो आठवें तत्व का गुणधर्म है, आठवें तत्व का गुणधर्म क्या है, ये देखिए यहां पर आठवां तत्व गुणधर्म होता है ऑक्सीजन। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, यह हाइड्रोजन। इस प्रकार से उन्होंने जैसे सोडियम कहीं भी आप शुरू करिए लास्ट करिए सोडियम या लिथियम से आठवें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान होते हैं। यहां पर ये देखिए लिथियम है, यहां से आप शुरू करेंगे आठवां तो ये सोडियम आएगा, ये क्या आएगा सोडियम। तो पहला तत्व और आठवां तत्व का गुणधर्म इन्होंने क्या कहा समान होता है। उसी प्रकार से उन्होंने मैग्नीशियम को देखा कि वो बेरिलियम, ये मैग्नीशियम है, ये देखिए बेरिलियम से शुरू करिए तो ये आठवां आता है मैग्नीशियम, इसके तत्व की गुणधर्म समान होती है। उसी प्रकार से उन्होंने अल्मोनियम का बोरान से किया। तो न्यूलैंड ने समानता की तुलना संगीत के अष्टक से की, संगीत के अष्टक से की, उन्होंने आठवें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में, ये देखिए सारे क्या होता है, सारे गा म प द नी शा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां पद फिर सा आ गया, सारे ग म प द नी सा। इस प्रकार से उन्होंने आठवें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाए जाने वाली समानता को अष्टक नियम दिया। बच्चों क्या नियम दिया, अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक का नियम ये देखिए, ये न्यूलैंड का पीरियाडिक टेबल आया। इस आधार पर अंग्रेज रासायनिक वैज्ञानिक जॉन ल्यूटन्स ने एक अलग ही मार्ग से परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म से जोड़ा और सन 1966 में न्यूलैंड ने यह उस समय ज्ञात सभी तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। इसकी शुरुआत सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन, तो अंत इसका किसके हुआ, थोरियम से हुआ। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, जैसे सोडियम या लिथियम से आठवें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान है। अष्टक नियम में क्या त्रुटियां हैं बच्चों, जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें कुछ अपवाद होता है। ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर दो दो तत्वों को रखा, जैसे कोबाल्ट निकिल सी और एल, दो दो तत्वों को रखा, दो दो तत्वों को रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रखा, जैसे कोबाल्ट और निकिल, इन धातुओं को न्यूलैंड ने दो इस स्वर के नीचे Cl और Br इन हैलोजनों के साथ भी रखा। इसके विपरीत CO और Ni इनसे समानता रखने वाले Fe को उन्होंने दूर O तथा S इन अधातुओं के साथ ही T इस स्वर के नीचे रखा। उसी प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई प्रावधान नहीं था कि जो नए तत्व खोदे जाएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा।
कालांतर में खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते थे। तब आगे क्या आया बच्चों, डोबेन राय का त्रिक भी फेल हो गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम भी बनाए और चले गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल आ गया बच्चों। इसमें सन 1869 से 1872 माने दिमित्री मेंडलीव इस रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से 1872 इस समय में तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की। मेंडलीव की आवर्त सारणी अर्थात जो तत्वों का वर्गीकरण था वो सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया इसमें। ये देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी इन्होंने अपना बनाया है। परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म आधार मानकर मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की भी रचना कर डाली। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की रचना है। इन्होंने जो रचना की उसके उसमें रचना करते समय मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड यौगिकों के अणुसूत्र, यह रासायनिक गुणधर्म और उसी प्रकार उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड इन यौगिकों के में के द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व, इन सभी भौतिक गुणधर्मों पर विचार किया और मेंडलीव के ध्यान में आया कि एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आया कि आवर्ती नियम में कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया और अपनी ये आवर्त सारणी उन्होंने तैयार की, उसका चार्ट उन्होंने दिया। आगे चल करके इस सारणी की पीरियाडिक टेबल है, एलिमेंट इसके गढ़ है, देखिए माने श्रेणी इसको बोलते हैं, गढ़ को क्या बोलते हैं, श्रेणी। श्रेणी में और एक इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं बच्चों, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो विज्ञान है बच्चों अपना बहुत ही प्रगतिशील है, ये नई नई खोजें हमेशा करता रहता है। प्रयोग करने के अधिक विकसित साधनों एवं पद्धतियों का उपयोग कर पुराने गुणधर्मों या जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको सुधारने की सुविधा विज्ञान में है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में विज्ञान की ये विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो तत्वों के गुणधर्म थे भौतिक और रासायनिक, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम सभी ज्ञात तत्वों के लिए लागू करते समय मेंडलीव ने जितने भी तत्व उपलब्ध थे उनमें अंतिम न होकर उसमें परिवर्तन हो सकता है, इस विचार से उन्होंने आवर्त सारणी की व्यवस्था की। इसी के परिणाम स्वरूप मेंडलीव की आवर्त सारणी में गुणधर्म दिखाई दिए। आवर्त सारणी का जो गुणधर्म था बच्चों, आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर दुरुस्त किए गए और उदाहरण जैसे बेरिलियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.09 यह बदलकर 9.4 ऐसा किया गया, तथा बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया गया। आवर्त सारणी में मेंडलीव ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के लिए कुछ स्थान रिक्त रखे। अब देखिए यहाँ पर
विज्ञान प्रगतिशील है, आगे कोई ना कोई खोज करेगा। उन्होंने कुछ स्थान खाली रखा, उनमें से तीन अज्ञात तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर एका बोरान, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन ऐसे नाम देकर मेंडलीफ ने उनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 44, 68 तथा 72 होंगे ऐसा दर्शाया। इतना ही नहीं तो उनके गुणधर्मों की भी प्रगति की थी। कालांतर में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम उनका नाम जो होता है दिया गया। मेंडलीफ जो ये देखिए गैलियम है, ये जर्मेनियम है और गैलियम है और स्कैंडियम है। ये देखिए खाली स्थान दिया गया था, जो आवर्त सारणी उन्होंने बनाया था खाली स्थान दिया था और उसका नाम भी एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के रूप में उन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने छोड़ा था कि आगे जो कालांतर में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये नाम इनको दिया जाएगा जो खोज होगी। ये आवर्त सारणी उनकी विशेषताएं थी। ये देखिए एटॉमिक मास दिया है, मेंडलीफ प्रिडिक्शंस में दिया है, एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है माने, और उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो है सब उन्होंने अपने सारणी में बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम, प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम। इस प्रगति के कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी के महत्व के संदर्भ में सभी को विश्वास हुआ एवं तत्वों की वर्गीकरण की यह पद्धति तुरंत स्वीकार ली गई। उसकी विषमताएं क्या है बच्चों? जहां पर कुछ अच्छाइयां हैं आपने पढ़ा, उसमें कुछ विषमताएं भी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विषमताएं क्या है, विषमताएं भी हम देख लेते हैं। कोबाल्ट तथा निकिल इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान के विषय में मेंडलीफ आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। क्या संदिग्धता थी बच्चों? मेंडलीफ आवर्त सारणी प्रतिपादन करने के बहुत समय के बाद समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिए जाए यह एक बड़ी चुनौती बन गई। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दी, इसलिए दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी इसका अनुमान लगाना मेंडलीफ की आवर्ती नियमानुसार संभव नहीं था, संभव नहीं था। जैसे आगे हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए कि हाइड्रोजन का स्थान उसमें क्या था। हाइड्रोजन या हेलोजन के समूह के साथ समान दर्शाता है, हेलोजन के समूह समान दर्शाता है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2, तो फ्लोरीन क्लोरीन इसके अणुसूत्र क्रमशः F2Cl2 इस प्रकार है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारी धातुओं जो समूह फर्स्ट में है इनके रासायनिक गुणधर्मों में जो समानता है, देखिए HCl है, H2O, H2S है, NaCl, Na2O और Na2S, ये जो है Na के यौगिक हैं और ये हाइड्रोजन के यौगिक हैं। ये हाइड्रोजन चीज संयुगी लिखे माने हाइड्रोजन के यौगिक हैं ये, और ये जो है सोडियम के यौगिक हैं। इनके रासायनिक गुणधर्मों में समानता है। हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु सोडियम और पोटेशियम की क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार की गए यौगिकों के अणुसूत्रों में समानता दिखाई देती है। इस गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का क्षारीय धातु के समूह फर्स्ट में या हेलोजन के इस समूह सेवेंथ में निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये देखिए इसमें है, तो निश्चित जब नहीं कर सकते हैं तो बच्चों आगे जो है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ला हम आपको बताएंगे।
आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो बच्चों, जिन लोगों ने ये तत्वों का, बहुत सारे तत्व अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, कालांतर में हमने आपको बताया कि कुछ कम ही मैंने 30 तत्वों की जानकारी थी, तो तत्वों के गुणधर्मों के अनुसार उनको कहाँ पर रखे जाए, किस क्रम में रखा जाए, उनको आसानी से हम पढ़ सकें, ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले डोबे नारायण के त्रिक ने किया, फिर उन्होंने कुछ तत्वों पर वो नियम लागू नहीं हो पाया, तो आगे वैज्ञानिक हुए, न्यूलैंड के अष्टक नियम बनाए, फिर उसमें भी कुछ अपवाद रह गया, तो आगे चल कर वैज्ञानिकों ने खोज, विज्ञान प्रगतिशील है, मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को सबने माना, फिर उसमें भी कुछ उसकी विशेषताएं थी और कुछ उसमें खामियां भी थी, उसको भी हम लोगों ने सीखा क्या क्या खामियां थी। अब अगले जो वीडियो आएगा बच्चों, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं बच्चों। डोबे रायनर के त्रिक, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है। आगे के वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी की दीर्घ स्वरूप जो है उसके बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी की रचना कैसी हुई, आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉन स्वरूपण कैसे है, आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव, परमाणु आकार और धातु अधातु गुणधर्म, ये सारी चीजें हम वीडियो सेकंड में सीखने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।